तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। मैंने एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया है और साथ में मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ली है और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है और थोड़ा सा नमक लिया है। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके तो इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दूँगी। और फिर आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन। तो डिफरेंट सा तरीका है मेरा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत से मसाइल इसमें हल होने वाले हैं जो न्यू सीखने वाली बच्चियाँ हैं उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ हुशर और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। मैं बना रही हूँ आलू और चिकन, तो मेरे स्टाइल से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। और जो कुछ लोग शिकायत करते हैं कि चिकन जल्दी गल जाता है भूनते के टाइम और आलू जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं, वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और जो ग्रेवी में प्याज नज़र आते हैं वो भी मसला नहीं होगा। तो इस तरीके से बनाइएगा। मैंने चिकन को मैरिनेशन करके रख दिया था एक लेमन का जूस डाल के और कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। तो ये मैंने प्याज ले लिए थे तीन, उनको मैंने उबाल के तो पीस लिया है। और टमाटर लिए हैं उनको भी उबाल के, थोड़ा सा मैंने उबलते पानी में डाल के उनकी प्यूरी बना ली है। प्याज ब्राउन करके रखे हैं। आलू लिए थे मैंने तीन अदद, उनको मैंने उबाल के काट के तो उबाल लिया, थोड़ी सी हल्दी डाल के। दही लिया मैंने, लहसुन अदरक की पेस्ट और मसालों में मैंने ली है पेपरिका आधा चम्मच, एक चम्मच मैंने नमक लिया है और दो चम्मच मैंने पीसी हुई लाल मिर्च ली है। ये हुदी मिर्चें सुखा के पीसी हैं इसलिए कलर ऐसा है। और आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, तो भुना ज़ीरा और भुना धनिया लिया है और साथ में मैंने थोड़ा सा कोरमा मसाला लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ हांडी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो साथ ही दुरूद भी पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वालिही व बारिक वसल्लम। तो मैंने ऑयल पहले से गर्म करना रखा हुआ था, इसमें मैंने ये जो मैरिनेशन चिकन का किया हुआ था इसको डाल के तो साथ ही अच्छा अच्छा भून लेंगे। आपको पता चिकन ज़रा जल्दी गल जाता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि कच्चे आलू डालें तो फिर वो आलू जो है वो अच्छे से गलते नहीं हैं और चिकन पहले गल जाता है। तो या फिर ये शिकायत होती है कि फिर ग्रेवी जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनती, या फिर उसमें से प्याज नज़र आ रहे हों, या फिर अगर ब्राउन करके डाल रहे हैं तो फिर ग्रेवी कड़वी हो जाती है। तो ये सारी बातों का आपने ख्याल रखना है, वीडियो को एंड तक देखना है तो आपके ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो जिनके चैनल्स हैं वो माशाल्लाह खुद बहुत माहिर हैं, लेकिन मैं ये जो बातें बताती हूँ तो ये जो न्यू सीखने वाली बच्चियाँ मेरी वीडियो देखती हैं ये मैं उनके लिए छोटी छोटी बातें जो हैं बताती हूँ ताकि वो नोट कर लें। तो अब मैंने उसको अच्छी तरह से चिकन को थोड़ा सा भून लिया था, उसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी और पेस्ट डाल के भी कुछ देर मैंने भुना है। उसके बाद मैंने मसाले डाल के तो फिर मैंने साथ ही जो उबले हुए प्याज हैं वो डाल दिए हैं। प्याज यहाँ पे आपने उबाल के ही लेने हैं, आपने कच्चे नहीं पीसने। उबले हुए प्याज को आपने पीस लेना है पानी के बगैर, क्योंकि वो नरम हो गए होते हैं। तो ये जो मैंने कुछ मसाले लिए हैं खुशबूदार आलू चिकन बनाने के लिए, ये मसाले जो हैं इनको मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। इसमें सिल पर ये देखिए कुछ मैंने दालचीनी ली थी, लौंग लिए थे, मोटी इलायची ली थी, छोटी इलायची ली थी और धनिया और ज़ीरा लिया था। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था। अब मैंने इसको भून के तो इसमें मैंने दही भी डाल दिया, तो दही डाल के भी हम इसको भूनेंगे। ये देखिए आयल ऊपर आना शुरू हो गया है और दही भी काफ़ी हद तक हमारा खुश्क हो गया है। तो आलू क्योंकि मैंने उनको 90% उनको मैंने उबाल लिया था और जो 10% है वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो सालन के अंदर भी कुछ कसर रह गई होती है तो वो पूरी हो जाती है। अगर आप पूरे ही डन कर लेंगे तो वो आलू फिर टूट भी सकते हैं। अब जब मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे आलू, और आलू भी साथ ही डाल के 2-3 मिनट भूनेंगे। और अगर कच्चे आलू डालें तो बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि कच्चे आलू डालने के बाद जब दही डालते हैं तो आलू फिर सख्त रह जाते हैं। तो मैंने ये नई हांडी ली थी क्योंकि मेरी पिछली वाली हांडी थोड़ी ख़राब हो चुकी है, दो है मेरे पास, पहले भी एक बड़ी है तो एक इसी साइज़ की थी, तो मैंने ये दोबारा ली है क्योंकि मुझे हांडी में खाना बनाना अच्छा लगता है। अब देखिए हमारा आलू और चिकन ग्रेवी वाला तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुशबूदार ये सालन तैयार होता है और झटपट तैयार हो जाता है। सारी चीज़ें आप पहले से रेडी करके रख लें तो सालन फिर बहुत ही जल्दी से तैयार होता है। और मैंने इसमें ये जो भून के गरम मसाला रखा हुआ था वो डाला है, साथ ही मैंने मेथी रखी हुई थी ढक्कन पे, तो ढक्कन पे रखने से ज़रा वो गर्म हो जाती है, उसकी खुशबू जो है वो दुगनी हो जाती है। और मेथी तो उस ग्रेवी वाले सालन में लाजिम डालते हैं। और देखिए कितना मज़े का ये ग्रेवी वाला सालन है।
और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाह रहे हैं या फिर आप थिक सी रखना चाह रहे हैं। तो जिस तरह आपको रखनी हो फिर एंड पे आप उतना ही पानी ऐड कीजिए। तो ये देखिए मैं हरा धनिया इस पे डाल रही हूँ और बहुत ही मज़े का ये अच्छा सा आपका ग्रेवी वाला आलू चिकन तैयार हो जाता है। और बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं, मेरे घर में तो सभी शौक से खाते हैं, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो चलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप रखिए ख्याल अपने प्यारों का अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के, और मुझे रखिए दुआओं में याद। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान के आंसू इस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ़ को महसूस करके निकलें। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कौल। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे और दूसरों के लिए सानिया बांटिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा करें। और इसको नान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ खाएँ। और ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी इसकी बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सालन को कड़वा होने से बचाने का टिप ये है कि जब प्याज ब्राउन करें तो उनको आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो उनका कलर थोड़ा मीडियम रहने देना, तो उससे फिर आपका सालन जो है कड़वा नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।